श्री गीताजी भगवान की, मुरली वाले की, राधा रानी की, शिकार पूर्णहारी जी दो बोली जय श्री बाबा की। आप भक्तों को श्री गीता जी का आठवां अध्याय सुनाया जाएगा, बड़े प्रेम से सुन रहे हैं बोली बाग के बिहारी लाल की। श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम जी, ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, इस देह से अधियज्ञ कैसे हुआ और इस देह में कौन है, फिर इस लोक में तथा मरने के समय में योगी पुरुष आपको कैसे जान सकते हैं और इसकी गति क्या है। अर्जुन के प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन जी, जो जगत का मूल कारण है वह ब्रह्मा है और जो स्वभाव जीव है वह अध्यात्म है तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और वर्षा आदि करने वाला जो द्रव्य त्याग रूप यज्ञ है सो कर्म है। जो नाशवान है वह अधिभूत है, इंद्रियों का अधिष्ठाता, देवताओं का अधिपति जो वैराग्य पुरुष है वह अधिदेवता है। हे अर्जुन जी, इस देह में देव पूज्य मैं ही हूँ, जो अंत समय में मुझको स्मरण करता हुआ देह त्याग करता है वह मेरे परमानंद विनाशी पद को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। हे अर्जुन जी, जिन जिन भावों को स्मरण करता हुआ मनुष्य देह त्याग करता है वह मनुष्य उस भाव में भावित होने के कारण उसी भाव को पाता है, इसलिए तो सब समय मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध रूप अपने धर्म का पालन कर। इसी प्रकार से मुझ में मन बुद्धि लगाने से तू तुझे निश्चय ही पाएगा और मुझे भी निश्चय ही पाएगा। अभ्यास योग युक्त होकर जो केवल परम पुरुष में ही लीन मन लगाकर उसी का ध्यान करते हैं वे निश्चय ही उसे पाते हैं। जो सकल विद्याओं का निर्माण करता, अनादि सिद्ध, संपूर्ण जगत का नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और सबका पोषक, अजिंत्य रूप सूर्य के समान कांतिमान और प्रकृति से परे जो उस दिव्य रूप परम पुरुष का भक्ति पूर्वक योग बल द्वारा मरण समय में प्राणों को भ्रिकुटियों के मध्य अच्छी तरह से ठहरा कर ध्यान करता है वह मुझसे ही मिल जाता है। हे अर्जुन जी, जिसे नाश रहित कहते हैं और राग देशादि रहित योगी जन जिसको प्राप्त होते हैं और जिनको जानने की इच्छा से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं उस पद का संक्षिप्त वर्णन तुमसे कहूँगा। संपूर्ण इंद्रियों का निग्रह करके मन को हृदय में रख और अपने प्राणों को भ्रिकुटियों के मध्य में ले जाकर योग धारण कर। हे अर्जुन जी, जो मनुष्य देह को त्यागते समय ओम इस एकाक्षर ब्रह्मा का ध्यान करते हुए मेरा स्मरण करते हैं वे अवश्य ही मोक्ष रूप परमानंद को प्राप्त होते हैं। हे भारत जी, जो मेरे में ही चित लगाकर नित्य प्रति निरंतर मेरा स्मरण करते हैं वे पागल चित वाले योगी जन मुझे बहुत सुलभ रीति से पाते हैं। हे अर्जुन जी, मुझसे मिलने पर परम सिद्ध महापुरुष अनित्य और दुख के भंडार पूर्व जन्म को नहीं देते। ब्रह्मा लोक से परे जितने लोक हैं उनमें जो बार बार जन्म लेते हैं परंतु हे कौंडिन्य, मुझसे मिलने के बाद उनका जन्म नहीं होता। ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र चौकड़ी युगों का होता है और उनकी रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। अब इन युगों की मर्यादा सुन, 17,28 सहस्त्र वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर।
द्वापर और 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। ये चारों 43,20,000 वर्ष के ही हैं। यही एक चौपड़ी है। हे अर्जुन जी, कारण रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, उसी से चराचर प्राणी ब्रह्मा के दिन के आगम में उत्पन्न होते हैं और रात्रि के आगम में उसी ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। ये भारत, प्राणियों का समूह दिन में बराबर उत्पन्न होकर रात्रि के आगम में लीन हो जाता है और दिन के आगम से फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन जी, चराचर प्राणियों का जो अव्यक्त है, उसका भी कारण रूप एक और अव्यक्त है, अर्थात इंद्रियों के विषय से अगोचर और अनादि जो संपूर्ण प्राणियों को नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है, जो अगोचर और अविनाशी कहा गया है, उसी की प्राप्ति को परम गति कहते हैं। जिस लोक को पाकर फिर संसार में नहीं आना पड़ता, वे ही मेरा परम धाम है। हे भारत, जिसके भीतर चराचर प्राणी है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। हे भारत श्रेष्ठ, जिस काल में योगी जन शरीर छोड़कर फिर नहीं आते हैं और जिस काल में आते हैं, उन दोनों कालों को कहता हूँ। हे अर्जुन जी, अग्नि ज्योति दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीनों में जो ब्रह्मा वेता जन प्रयाण करते हैं, वे फिर नहीं आते। धूम कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 मास और चंद्र ज्योति इस में जो योगी प्रयाण करते हैं, वे फिर संसार में आते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये दोनों योगियों के आने जाने के सनातन मार्ग हैं। जो शुक्ल मार्ग से जाते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं और जो कृष्ण मार्ग से जाते हैं, उनका आवागमन संसार में लगा ही रहता है। हे अर्जुन, जो योगी मोक्ष के मार्ग और संसार के दाता इन दोनों मार्गों को जानता है, वे मोक्ष नहीं पाता। इससे हे अर्जुन, सदा योग योग तप दान आदि में जो फल कहे गए हैं, उससे अधिक जो योग रूप ऐश्वर्य है, उसे पाते हैं और उनको पाकर परमानंद जो सर्वोत्तम स्थान है, उस पद में पहुंच जाते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। 8वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुन। दक्षिण देश नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है, उसमें सुशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धनी था और संतों की सेवा करने वाला था, बड़े बड़े यज्ञ करता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है, क्या करूं? ऋषिवर ने कहा, तू अजामेघ यज्ञ कर, देवी को बकरा चढ़ा, वह तुझको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, बलि के दिन उसको स्नान कराया, मेवा खिलाया और जब उसको मारने लगा, तब बकरा चाने की हंस पड़ा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसता है? बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे संतान नहीं थी, एक ब्राह्मण ने मुझे भी अजमेघ यज्ञ करने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढा, परंतु हाथ ना लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का मेमना दूध चूसता दिखाई दिया। मैंने उस मेमने समेत बकरी को मोल में ही खरीद लिया। जब बकरी के सदन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा, तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। यह कभी सुने है कि प्राय पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया हो? तू अपने संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। उस बकरी ने बहुत कहा, पर मैंने होम ही कर दिया। तब बकरी ने शाप दिया कि तेरा भी गला इसी बांसी काटा जाएगा। इतना कहकर तड़प कर बकरी मर गई। कई दिन बीते, मेरी भी मृत्यु हुई। अमरूद मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नर्क में डाल दो, यह बड़ा पापी है। वह नर्क होकर बानर की योनि में गया। एक बाजीगर ने उसे मूल में खरीद लिया।
वे गले में रस्सी डालकर द्वार द्वार सारा दिन माता के साथ खाने को कुछ भी नहीं मिलता था। तब बानर भी देर से छूटा तो कुत्ते के झुंड में आ गया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा कर खाई, उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी देह छूट गई, फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को एक बटियारे ने मोल में खरीद लिया। वह सारा दिन चलाया करता था उसको, खाने पीने की खबर ना लेता। रात पड़ती तो एक छोटी सी रस्सी के साथ उसे बांध कर छोड़ देता। ऐसा बांधता कि मैं मक्खी भी नहीं उड़ा सकूं। एक दिन दो बालक एक कन्या मेरे ऊपर चढ़ गए, मुझे चलाने लगे। वहां अत्यंत कीचड़ था, मैं उसमें फंस गया और ऊपर से वह मुझे मारने लगा। वही मेरा अंत हो गया। इस भांति अनेक जन्म मेरे हुए। अब बकरे का जन्म पाया है। मैंने जाना था जो इनसे मुझे मोल लिया है मैं सुख पाऊंगा, मगर तू तो शूरा लेकर मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। जैसे चिड़ियों को कंकर मारने से वे आगे उड़ जाती हैं, अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई बातें कहता हूँ, तो सुन। कुरुक्षेत्र में एक राजा स्नान करने आया। उसका नाम चंद्र सुशर्मा था। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में कौन सा दान करूं। उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर के भूषण पहन, इसको तैयार कर और उसको दान कर। और उसने काले लोहे का पुरुष बनाया और नेत्रों में लाल जड़वा के सोने के भूषण को पहनाया। राजा स्नान करने को चला गया। स्नान करके दान किया तो वह काला पुरुष आता। राजा डर गया, को कहे कोई बड़ा अवगुण हुआ है, जो लोहे का पुरुष भी हंसा है। तब राजा ने बहुत दान दिया, फिर वह हंसा। तब ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे जैसे कई बचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण तूने अनेक दान बचाए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह कर फट गया। उसमें से एक और कालिका की मूर्ति निकल आई। तब ब्राह्मण ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। तब उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस ब्राह्मण ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छूने से तब उसकी देह छूट गई, देह दिव्य हो गई और उसने दिव्य देही को पाया। विमान पर बैठकर वैकुंठ को चला गया। तब उस मेमने ने पूछा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा गीता पाठी है जिससे पाठ सुनकर मैं भी अदम देह से छूट जाऊं? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु गीता पाठी है, इससे तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब ब्राह्मण श्री गीता जी का पाठ करने लगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 8वें अध्याय का महात्म्य है, जो तूने सुना है सभी का इससे कल्याण होगा। बोली श्री बांके बिहारी लाल की। अब आप भक्तजन सुनेंगे 9वां अध्याय। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, तू मेरी निंदा करने वाला नहीं है। इससे जो गुप्त से परम गुप्त ज्ञान है वह तुझे सुनाता हूँ। इसे जानकर तू संसार में निर्लिप्त रहेगा। जो ज्ञान तुझे सुनाता हूँ वह सब विद्याओं का राजा है और सबसे अधिक गुप्त रखने के योग्य है। अत्यंत पवित्र है, जिसका जानना सुलभ है। वह वेदों का फल है, सुख पूर्वक साधन के योग्य है और नाम रहते हैं। हे परतप, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते सो प्राणी मुझको प्राप्त नहीं होते और मरणशील संसार में दोबारा ही जन्म लेते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत मुझ में अव्यक्त रूप करके व्याप्त है। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं है कहे कि तुम पहले कह चुके हो कि सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, इसमें परस्पर विरोध है। हे अर्जुन, सो नहीं है
तू मेरे ऐश्वर्य संबंधी योग बल को देख, प्राणियों का लालन पालन करने वाली मेरी आत्मा प्राणियों का पालन पालन करती है, परंतु उनमें स्थित नहीं है। यह मेरा योग बल है। निरंतर आकाश में रहने वाला वायु बड़ा है और सब जगह विचरता रहता है, परंतु आकाश से में लिप्त नहीं होता। ऐसे ही सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं किसी में लिप्त नहीं है। हे अर्जुन, प्रलय काल में संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उनको मैं कल्प के आदि में फिर छोड़ देता हूँ। मैं अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर अपने कारण पराधीन इस संपूर्ण प्राणी समूह को बार बार बनाता ही रहता हूँ और ये क्रम बार बार ही चलता रहता है। हे धनंजय, मैं उस सृष्टि के रचना कर्म में आसक्त हूँ। हे कौन्तेय, मैं ही अध्यक्ष हूँ। मेरी इस अध्यक्षता से ही प्रकृति चराचर प्राणी मात्र को बनाती है, इसी कारण इस संसार का परिवर्तन होता रहता है। हे अर्जुन, मूल मनुष्य मेरे सर्वभूत महेश्वर परम भाव को नहीं जानते, इसी से मैंने यह मनुष्य रूप धारण कर रखा है, उसकी अवज्ञा करते हैं। हे मूल मनुष्य, ध्यान से सुन। मनुष्य इसलिए मेरा नादर करते हैं कि इतनी आशा फल गलती नहीं है। वह जो कुछ भले कर्म दान पुण्य आदि करते हैं सब निष्फल हैं। संसारिक दुर्व्यसनों से इनका चित्त विक्षिप्त रहता है और वे राक्षसी तथा दुर्व्यसनों से इनका चित्त विक्षिप्त रहता है और वे आतुरी प्रकृति का आश्रय रखते हैं जो कि मोह को उत्पन्न करने वाली है। हे अर्जुन, दैवी प्रकृति का आश्रय रखने वाले महात्मा जन तो मुझे सब जीवों का आदि रूप अविनाशी जानकर सब ओर से चिंता हटाकर दृढ़ निश्चय से मेरा ही भजन कीर्तन करते हैं, भक्ति पूर्वक मुझे नमस्कार करते हैं और रात दिन मुझ में ही ध्यान लगाकर मेरी उपासना करते हैं। इतने ही मनुष्य ऐसे हैं जो एक भाव अवेद बुद्धि से मेरी उपासना करते हैं और कितने ही दास्य भाव बुद्धि से मेरी उपासना करते हैं और कितने ही सब जीवों का आत्म स्वरूप मुझे ब्रह्म स्वरूप समझकर मेरी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, मैं प्रकृति भी हूँ, पितरों का सौदा भी हूँ, अनादि औषध भी हूँ, मंत्र भी हूँ, होम की सामग्री भी हूँ, हवनाग्नि हूँ, आहूति भी हूँ, इस संपूर्ण जगत का माता पिता हूँ और दाता हूँ, पिता हूँ, पितामह हूँ, जानने के योग्य हूँ, पवित्र हूँ, मैं उकार हूँ और चारों वेद हूँ। मैं इस सब जगत की गति हूँ, सब का पोषण करने वाला हूँ, सबका स्वामी हूँ, संपूर्ण कर्मा का साक्षी हूँ, सबका निवास स्थान हूँ, सबकी शरण हूँ, सबका हितकारी हूँ, सबकी उत्पत्ति हूँ, सबका लय करने वाला हूँ, बीज रूप हूँ, अविनाशी हूँ, सूर्य रूप से सबको तपाने वाला हूँ, जल बसाने वाला हूँ, प्राणियों का जीवन और मृत्यु हूँ, सत असत हूँ, ऋग यजु साम वेद यत्री को जानने वाले, वेदोक्त यज्ञ कर्म करके सोम रस का पान कर अपने पापों से छूटकर पवित्र स्वर्ग लोक में जाने की कामना करते हैं। वे पुण्य रूप इंद्रलोक में पहुंचकर स्वर्ग में वास करते हैं और अथवा दिव्य भोगों का भोग करते हैं, फिर अपने पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। वेदोक्त यज्ञ आदि कर्मों के करने वाले अपनी कामना की सिद्धि के कारण कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी संसार में आते हैं। इस प्रकार अवगमन में फंसे रहते हैं। जो अनन्य भक्त मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उस नित्य योगियों की मैं इस संसार में धन जन पुत्र पुत्र आदि देकर उनकी रक्षा करता हूँ और फिर अवगमन से उन्हें छुड़ा देता हूँ। ये कुंतेय, अन्य देवताओं के भक्त वर्ग तो उनमें श्रद्धा करके उनकी उपासना करते हैं, ये मेरी विधिहीन पूजा है, इससे वे भक्त मुक्ति को नहीं पाते हैं। मैं सब यज्ञों का भोग करने वाला है और सबका प्रभु हूँ। जो ईश्वर नहीं जानते हैं, वे अवगमन से छूटे नहीं जाते हैं। देवताओं के पूजन
करने वाले देवगति को प्राप्त होते हैं। पितरों के पूजक पितरलोक में जाते हैं, भूतों के पूजने वाले भूतलोक में जाते हैं, और मुझको पूजने वाले ही मेरे परमानंद स्वरूप को पाते हैं। जो कोई भक्त पत्थर पुष्प फल आदि भक्ति युक्त मेरे को निवेदन करता है, उसकी दी हुई वस्तु में प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ। हे कौन्तेय, जो कुछ तुम करते हो, देखते हो, तपस्या करते हो, वह मुझको अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ रूप फलों से बच जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति के पद को पाओगे। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रूप हूँ, ना कोई मेरा शत्रु है, ना कोई मेरा मित्र है। जो मुझको भक्ति पूर्वक भजता है, वही मुझ में समा जाता है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई अत्यंत दुराचारी मनुष्य अन्य देवताओं की पूजा ना करके मेरी पूजा करता है, तो वह अनन्य भक्त शीघ्र ही दुराचारी से धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर शांत रहता है। ये भारत कोई कैसा भी पाप आत्मा क्यों ना हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, यदि मेरा आश्रय ले तो उत्तम गति को प्राप्त होता है। और फिर पुण्यात्मा ब्राह्मण और भक्त राजेश्वरी, इनका तो कहना ही क्या है। इसलिए हे अर्जुन जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा मेरा भजन स्मरण कर मेरा साथ ऐसा मिलेगा जैसा पानी के साथ पानी मिल जाता है। इसी प्रकार मेरे साथ वेद हो, ओम नमो नारायण, ये कहो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब नौवे अध्याय का महात्म्य सुनो। एक समय लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नारायण जी, गीता के नौवे अध्याय के महात्म्य को कहो, तुम्हारी सुनने की बड़ी इच्छा है और हमारी भी सुनने की इच्छा बड़ी है। भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी सुनो, दक्षिण देश में सशर्मा नाम का एक शूद्र रहता था। वह मांस मदिरा खाने वाला और पर स्त्रीगामी था। वह एक दिन मदिरा पान करके सोया हुआ था कि रात्रि में वह मर गया। मरने के बाद उसे प्रेत योनि मिली, तब एक वृक्ष पर रहने लगा। उसी नगर में एक भिक्षुक ब्राह्मण भी रहता था। वह दिन को भिक्षा मांग कर लाता था। उसकी स्त्री बड़ी कृपण थी, कभी किसी को कुछ ना देती थी। स्नेह पाकर ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों ने तन त्याग किया और उसी वृक्ष पर दोनों पिशाच पिशाचनी बनकर रहने लगे। बहुत दिन बाद पिशाचनी ने कहा, हे पिशाच, तुझे कुछ पिछले जन्म की भी खबर है? तब पिशाच ने कहा, मैं पहले जन्म में ब्राह्मण था। पिशाचनी ने कहा कि तुमने कौन सा ऐसा कर्म किया था जिससे पहले जन्म की बात याद आ गई? पिशाच ने कहा, मैंने एक ब्राह्मण के मुख से अध्यात्म ज्ञान को सुना है जिससे अपने पूर्व जन्म को जानता हूँ। पिशाचनी ने कहा, वह ब्राह्मण कौन था? अध्यात्म कौन कर्म है? पिशाच ने कहा, मैंने कोई शुभ कर्म नहीं किया है, केवल गीता के एक श्लोक को ही सुना है जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया था। ऐसा कह वह श्लोक अर्थ रहित पिशाचनी को सुनाने लगा। बस श्लोक को सुनते ही एक और प्रेत उस वृक्ष से उतर पड़ा और कहा कि जो बातें तुम आपस में करते हो वो मुझ से भी कहो। ब्राह्मण पिशाच ने कहा, वह श्लोक उस प्रेत को भी सुनाया। उससे तीनों प्रेतों की योनि छूट गई और विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। यही गीता के नवम अध्याय का महात्म्य है। जो इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनते हैं वे सदा वैकुंठ में निवास करते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। अब आप सुनेंगे दसवां अध्याय। हे महाबाहो, मेरी और उत्तम उत्तम बातें सुनो। मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मेरी भलाई के लिए कहता हूँ। मेरे जन्म को
देवता ऋषि कोई भी नहीं जानते, क्योंकि मैं संपूर्ण देवता और ऋषियों का आदि हूँ। वे सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, जो तुझे आज अनादि और संपूर्ण लोकों का ईश्वर जानते हैं। वे मनुष्य में मूढ़ता रहित हैं और सब पापों से छूट जाते हैं। हे अर्जुन जी, बुद्धि ज्ञान अभियाकुलता क्षमा सत्य धम सुख दुख उत्पत्ति ले बे और अवे अहिंसा ममता संतोष शम अप कीर्ति, ये सब प्राणियों के भाव पृथक पृथक मुझसे ही होते हैं। ये सब मेरे मन से प्रकट हुए हैं। इन्हीं से चारों मुनि तथा चौदह मनु ये सब मेरे मन से प्रकट हुए हैं। इन्हीं से सब प्रजा उत्पन्न हुई है। जो पुरुष मेरी विभूति को तत्व से जानते हैं, वे निश्चय योग से मुक्त होते हैं। मैं ही सब उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे ही द्वारा सबकी प्रवृत्ति होती है। यह जानकर विवेकी पुरुष मेरा स्मरण करते हैं। वे अहर्निश मेरे में ही चित लगाए रहते हैं और मेरे में ही अपना ध्यान रखते हैं और अपने प्राणों को मुझे अर्पण कर देते हैं। इस प्रकार वे स्वयं नित्य संतुष्ट व आनंद में मगन रहते हैं और दूसरों को भी करते हैं। जो इस रीति से निरंतर मेरे ध्यान में लगे रहते हैं और प्रीति पूर्वक भजन करते हैं, उनको मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ कि वे मुझको प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे पुरुष पर अनुग्रह करने के लिए आत्मभाव में स्थित मैं हूँ। सो प्रकाशमान दीपक से मुझ उनके अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को मैं नष्ट कर देता हूँ। यह सुनकर अर्जुन जी ने कहा, हे श्री कृष्ण जी, आप पर ब्रह्मा हो, परम देव हो, अज हो, विभु हो, संपूर्ण ऋषि देवर्षि नारद असित देवल वेद व्यास आदि आपको परम पुरुष अज और विभु कहते हैं और आप भी ऐसा ही कहते हैं। हे केशव, जो कुछ आप कहते हैं और जो कुछ ये ऋषिगण कहते हैं, इन सबको मैं सत्य ही मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव आपकी उत्पत्ति के कारण को नहीं जानते। हे पुरुषोत्तम, हे प्राणियों के ईश्वर, हे प्राणियों के नियंता, हे देवों के देव, हे जगतपते, आप ही अपने को जानते हो, आपको दूसरा कोई भी नहीं जानता। हे श्री कृष्ण जी, आपकी जो दिव्य विभूतियाँ हैं उनको मुझसे कहिए, जिनके द्वारा आप इन लोगों को व्याप्त होकर स्थिर हो। हे श्री कृष्ण जी, आपका निरंतर ध्यान करता हुआ मैं आपको किस तरह जानूं? हे भगवान जी, आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? हे जनार्दन, आप अपनी प्राप्ति का उपाय योगेश्वर और विभूति विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। इस अमृत रूपी प्राणी को सुनते सुनते और मेरा मन तृप्त नहीं होता। यह सब वाणी को सुनने से ही अच्छा होगा। यह सुन श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरी जो दिव्य विभूतियाँ हैं उनमें से मुख्य मुख्य तुम्हें सुना ही देता हूँ, क्योंकि मेरी संपूर्ण विभूतियों का अंत नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में मैं ही बसता हूँ, अंतर्यामी मैं ही हूँ, उनकी उत्पत्ति पालन नाश करने वाला मैं ही हूँ। 12 सूर्यों में पौष मास का विष्णु सूर्य हूँ मैं। प्रकाशमान वस्तुओं में सूर्य, 49 भवनों में मारीच नाम का वायु हूँ, तारागणों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों में चेतना शक्ति में ही हूँ, रुद्रों में शंकर, यक्षराक्षरों में कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु, पूरे हितों में बृहस्पति, सेनापतियों में शिव जी का पुत्र स्वामी कार्तिकेय और सरोवरों में सागर, महर्षियों में भृगु, वाणी में एक अक्षर ओम, यज्ञों में जप यज्ञ और सागरों में हिमालय, वृक्षों में पीपल, देवेक्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि में ही हूँ, गौड़ों में उच्च श्रवा, हाथियों में एरावत और मनुष्यों में राजा
अस्त्रों में वज्र, गमों में कामधेनु, उत्पन्न करने वालों में कामदेव, सर्पों में वासुकी, नागों में शेषनाग, जलचरों अरे अमा, शासन करने वालों में यम मैं ही हूँ, दैत्यों में प्रहलाद हूँ, निगलने वालों में काल हूँ, मृगों में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, पवित्र करने वालों में पवन हूँ, सशस्त्रधारियों में परशुराम हूँ, मछलियों में मगर और नदियों में गंगा, सृष्टि का आदि मध्य अवसान में ही हूँ, विद्याओं में अध्यात्म और विद्या के वादियों में सिद्धांत, अक्षरों में अकार, स्वास्थ्यों में द्वंद, चारों ओर मुख वाला, सबको उत्पन्न करने वाला, सबका भरण पोषण करता, सबका सब सहारक में ही हूँ, स्त्रियों में कीर्ति श्री बाणी समृति में गृति शांति और क्षमा, साम देव में मंत्रों में बृहत साम, शंदों में गायत्री शंद, मासों में मार्ग शीर्ष और ऋतुओं में बसंत में ही हूँ, तेजस्वियों में तेज, विजयकर्ताओं में विजयी, उद्यमियों में उद्यम और सत्य बालों में सत्य में ही हूँ, यादवों में वसुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में व्यास, कवियों में शुभदेव में ही हूँ, जीतने की इच्छा करने वालों में नीति, गुप्त करने वाले उपायों में मौन, तत्व ज्ञानियों में ज्ञान में ही हूँ, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने का बीज भूत कारण मैं ही हूँ, चराचर प्राणियों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें मैं नहीं हूँ, हे परतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है और ना ही उनका वर्णन किया जा सकता है, मैं सर्वव्यापी हूँ, यह संक्षिप्त वर्णन मैंने किया है, यह संक्षेप से एक ब्रह्मांड कहा है, ऐसे असंख्य हैं यह सब जगत मेरे तेज से उत्पन्न हुआ जान, इन सब बातों को भिन्न भिन्न जानने से तेरा क्या होगा, तू इतना ही जान ले कि मैंने इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश से धारण कर रखा है, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बिहारी लाल की जय। Thank you.
मैं कहता हूँ, काशी नगर में एक धीरजी नामक धर्मात्मा हरि भक्त ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को गया। गर्मी की ऋतु थी, वह धूप से व्याकुल हो चक्कर खाकर मंदिर के पास ही गिर गया। इतने में भृगु नामक गण आया। उसने देखा कि ब्राह्मण मूर्छित पड़ा है। उसने जानकर शिव जी से कहा, महादेव जी सुनकर चुप हो गए। उस गण ने फिर जाकर कहा, हे स्वामी, यह चरित्र मैंने देखा है। इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे पवित्र जगह इसने मृत्यु पाई है? चारों बातें इसकी भली आ रही है। एक काशी क्षेत्र, गंगा जी का स्नान, संतों तथा विश्वेश्वर जी का दर्शन, अन्न का छोड़ना, एकादशी का देना, कृपा कर यह बताओ कि इसमें कौन सा पुण्य है जिसमें इसने ये पुण्य किए था कि इसको यहाँ पर ही मौत प्राप्त हुई है। तब महादेव जी ने कहा, हे भृगु, इसके जन्म का हाल मैं कहता हूँ, सो सुनो। एक दिन कैलाश पर्वत पर पार्वती जी और हम बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक में मानस सरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल फूले थे। वह एक कमल को लांगने लगा। ज्यों ही उसकी परछाई पड़ी, वह हंस एकदम काला हो गया और बेहोश हो आकाश से पृथ्वी पर गिर गया। उसी मार्ग में गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामी, यह आपके दर्शन को आया था, सो श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस जी, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं यह नहीं जानता कि मैं किस कारण से काला हो गया हूँ। यह सुन शिव जी को आकाशवाणी हुई, हे शिव जी, कमलिनी से पूछो, वह कहेगी। कमलिनी ने आकर कहा कि पिछले जन्म में पद्यावती नाम का अप्सरा थी। श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता के दसवें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन इंद्र का सिंहासन हिला। इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या को भंग कर दे। मैं ब्राह्मण के पास गई। ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया कि हे पापी, तू कमलिनी हो जा। ब्राह्मण के श्राप से मैं कमलिनी हो गई और मैं गीता के दसवें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा तेज है। मुझको लांगने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। हंस ने कहा, मेरा श्याम वर्ण से श्वेत वर्ण कैसे हो और तू कमलिनी के देह से शूट देव देवी कैसे पाए? तब कामलिनी ने कहा, यदि कोई गीता के दसवें अध्याय का पाठ सुनाए तब हमारा तुम्हारा दोनों का उदार होगा। फिर गीता के दसवें अध्याय का पाठ उस हंस और कामलिनी ने सुना। तब उसी समय उन दोनों का उदार हुआ। हंस अपने श्वेत वर्ण को प्राप्त हुआ और कामलिनी देवकन्या हुई। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अभी सुनिए ग्यारहवें अध्याय।
भगवान की गलतियों के वर्णन को सुनकर अर्जुन जी ने कहा कि हे श्री कृष्ण जी, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह करके जो महागौरव अध्यात्म ज्ञान सुनाया है, इससे मेरा और मोह दूर हो गया है। हे कृष्ण जी, मैंने प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का वृतांत आपके मुख से विस्तार पूर्वक सुना है और आपका लक्ष्य महात्म्य भी सुना। हे पुरुषोत्तम जी, मैं ज्ञान शरणों से युक्त आपके रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। यदि आप ये समझते हो कि मैं आपका वह रूप देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर जी, आप मुझे अपने उस अविनाशी रूप का दर्शन दीजिए। अर्जुन की बात सुनकर श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख तेरे Bye.
इसका दर्शन करके अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके शरीर के रोम रोम खड़े हो गए और बैसीर झुकाकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी से कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपकी देह में संपूर्ण देवताओं तथा सब प्राणियों के समूह को तथा कमल पर आसन मारे हुए ब्रह्मा को, सब ऋषियों को तथा सब दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, आपकी देह में सब जगह मुझे अनेक भुजा, अनेक उधर, अनेक मुख, अनेक नेत्र और अनंत रूप दिखाई देते हैं। आपका आदि मध्य अंत कहीं भी दिखाई नहीं देता। मुझे ऐसे दिखाई देता है कि किरीट, गदा और चक्कर धारण कर रहे तेज पुंज हैं। चारों ओर दीपतमाने हैं। आपका अग्नि और सूर्य के समान तेज है। मुख सुंदर है, नैन कटीले हैं कि देखने में आंखें चकाचूंध हो जाती हैं। अपरिमित रूप से दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, मुमुक्ष जनों के जानने योग्य आप ही अक्षर पर ब्रह्मा हो। इस संसार की आधार आप ही हो। सनातन धर्म के अक्षर तथा विनाश रीत भी आप हो। आप ही सनातन पुरुष हो और आपका आदि मध्य अंत कुछ भी नहीं है। आपका पराक्रम अनंत है। आपकी भुजाएं असंख्य हैं। सूर्य चंद्रमा आपके नेत्र हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान आपका मुख है। आपके इस भयानक रूप को देखकर तीनों लोग डरते हैं। हे महात्मन, आपका और पृथ्वी के मध्य में जो यह बड़ा भारी अंतरिक्ष पोल है, इस सब में आप अकेले व्याप्त हो रहे हो। हे कृष्ण जी, देवताओं के समूह भय के मारे आपकी शरण आए हैं। कितने भयभीत होकर दूर से हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना करते हैं। हे महर्षि और सिद्धों के झुंड, स्वस्ति वाचन करके अनेक प्रकार से आपकी ही ये हमेशा स्तुति करते रहते हैं। हे श्री कृष्ण जी, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्ट वस्तु, सांध्य, नाभ देवता, विश्व देवा, अश्विन कुमार, 49 मरुत, ऊष्मण नामक पिता और गंधर्व यक्ष देवता, सिद्धों के समूह, ये सब विस्मित होकर तुम्हें देखते हैं। हे महाबाहो, आपके असंख्य मुख और नेत्र हैं। आपकी असंख्य भुजाएं, जंगा, चरण और असंख्य उदर हैं। असंख्य दाढ़ों से आपका रूप विकराल दिखाई पड़ता है। इसको देखकर लोग डर गए हैं। मैं डर के मारे व्याकुल हो रहा हूँ। यह आपका शरीर इतना बड़ा है कि आकाश को स्पर्श करता है। आपका शरीर बड़ा प्रकाशमान है, सुंदर है, मोहित है, करने वाला है, अनेक वर्णों से युक्त है। इसमें बड़ा विस्तीर्ण मुख है, बड़े बड़े नेत्र हैं। इसको देखकर मैं अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। किसी प्रकार से भी मेरी धीर्ज शांति ग्रहण नहीं होती है। दांतों से भयंकर प्रलय काल की अग्नि के समान आपका मुख देखकर ऐसा व्यथित हो रहा है कि मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं रहा, ना मुझे शांति प्राप्त होती है। इससे हे भगवान, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे कृष्ण जी, धृतराष्ट्र के सब पुत्र संपूर्ण राज समूहों के साथ आपके मुख में प्रवेश करते दिखाई देते हैं और भीष्म, द्रोणाचार्य, शिखंडी, त्रित, दम्युमन आदि भी आपके मुख में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। ये सब आपके ढाट वाले मुख में जल्दी जल्दी प्रवेश कर रहे हैं। इसमें कितनों के ही सिर चूर्ण हो गए हैं। आपके दांतों में उलझ रहे हैं। जैसे नदियों की अनेक शाखाएं समुद्र की ओर दौड़ती हैं, वैसे ही ये नरवीर तुम्हारे जार्ज बल्यमान मुख में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। हे श्री कृष्ण जी, जैसे पतंगे नाश के लिए बड़े वेग से जलती हुई अग्नि में घुस चले जाते हैं, ऐसे ही ये सब नाश के लिए आपके मुख में घुसे चले आ रहे हैं। हे श्री कृष्ण जी, आपके प्रज्वलित मुखों में संपूर्ण लोकों को चारों ओर से चाटते हुए ग्रसे लेते हो और आपकी उग्र कांति सब जग को अपने तेज से परिपूरित करके तृप्त कर रही है। हे श्री कृष्ण जी, तुम ऐसे उग्र रूप वाले कौन हो सो कहो। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मैं आपकी प्रवृत्ति नहीं जानता हूँ। इससे आदि पुरुष आपको जानना चाहता हूँ।
हे देव श्रेष्ठ जी कृपा करके मुझे बताइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन जी, मैं इन लोगों का पाल मैं ही हूँ। मैं इन लोगों का सहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। ये बड़े बड़े योद्धा जो सेना में खड़े हैं, इनको तू मारेगा नहीं। जो भी ये मरेंगे वो मैं ही मारूंगा। इससे हे अर्जुन, तू कमर बांध कर खड़ा हो जा और शत्रुओं को जीत कर कीर्ति को प्राप्त कर ले। तब समेत राज्यों को भोग, ये सब तो पहले ही मैंने मार रखे हैं। तू केवल निमित्त मात्र है। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण आदि बड़े बड़े योद्धा मुझसे मारे दुखी होने की बात नहीं है। तू समर के शत्रुओं को अवश्य जीतेगा। पंडित ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, केशव भी ऐसी बात सुनकर अर्जुन कांपने लगा और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करने लगा। डर के मारे व्याकुल होकर नमस्कार कर गदगद बाणों से श्री कृष्ण जी से कहने लगा कि हे हर्षिकेश जी, आपका प्रभाव अति अद्भुत और कीर्ति अतुलनीय है। इसी से यह सब जगत हर्षित होता है, आप में अनुराग करता है। राक्षस भयभीत होकर दिशाओं में भागे फिरते हैं। सिद्धों के समूह आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मन जी, हे अनंत, हे द्वेश जी, हे जगत निवास जी, तुमको सब लोग नमस्कार क्यों ना करें? क्योंकि आप तो ब्रह्म से भी बड़े और सबके आदिकर्ता हैं। तथा सत असत के मूल कारण तथा अविनाशी हैं। इससे सबका आपको नमस्कार करना योग्य ही है। हे श्री कृष्ण जी, आप आदि देव और पुरातन पुरुष हो, इस संपूर्ण सृष्टि के लिए स्थान हो और संपूर्ण विश्व के ज्ञाता हो। जो कुछ जाने योग्य वस्तु है आप ही हो। मुनियों के परमधाम आप ही हो। यह संपूर्ण विश्व आपके अनंत रूप से व्याप्त है। हे श्री कृष्ण जी, वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता में भी आप ही हैं। इससे आपको हजारों बार मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। हे सर्वेश्वर जी, आपको सम्मुख से नमस्कार है तथा पीछे से भी नमस्कार है। आपको हर वक्त हर पल से मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। प्रभु जी, चारों ओर से नमस्कार है। आप अनंत वीर्य और अनंत पराक्रम से युक्त हो, सब में व्यापक हो, इसी से आप सर्व हो और आपको अपना सखा जानकर जो आपसे हे यादव, हे कृष्ण जी, हे सखा, हे ठिदाई से कहा करता था, सो मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। यह मेरा बड़ा प्रमाद था अथवा स्नेह के वशीभूत हो मैं ऐसा कहा करता था। हे अच्युत, खेलने, सोने, बैठने व भोजन करने के समय एकांत में या बहुत लोगों के सम्मुख जो मैंने आपकी हंसी उड़ाई थी और इस प्रकार की हंसी से आपका अनादर किया था, सो मैं क्षमा मांगता हूँ। आपका प्रभाव अपरमेय है। हे प्रभावशालीन, आप इस चराचर जगत के पालन करता पिता, पूज्य और महान आप ही गुरु हो। तीनों लोकों में आपके बराबर कोई नहीं है, फिर अधिक कोई कैसे हो सकता है? हे श्री कृष्ण जी, आप ईश्वर हो, स्तुति के योग्य हो। मैं आपको साक्षात दंडवत करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए। हे देव जी, अपने अपराधों को सहन कर ऐसे क्षमा कर दीजिए मेरे को जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपराधों को सहन करता है। हे श्री कृष्ण जी, आपका अद्भुत रूप पहले कभी नहीं देखा था। इतना सुंदर रूप देख के मैं बहुत प्रसन्न हुआ। इस अद्भुत रूप को देखकर मेरा मन बड़ा हर्षित हुआ है और वे के मारे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। आप मुझको वही अपना पहला रूप दिखाइए। हे देवेश, हे जगनिवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे ऋषभ मूर्ति जी, मैं आपका वही किरीट, मुस्कुराहट वाला रूप देखना चाहता हूँ, गदाधारी वाला। इसलिए वे ही पहले के समान चतुर्भुजी रूप धारण कर लीजिए। यह सुनकर श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन जी, मेरा यह तेजोमय रूप अनंत और आद्य रूप है। इसको तेरे सिवा किसी ने भी नहीं देखा है। तुझ पर अत्यंत प्रसन्न होकर मैंने आत्मयोग से तुझे ये रूप दिखाया है। हे कुरु
श्रेष्ठ जो कोई चार वेद पढ़े, यज्ञ साधन दान अग्निहोत्री कर्म आदि उग्र तप करके देखना चाहे तो भी नहीं देख सकता। हे अर्जुन, मेरे इस गौर रूप को देखकर तू क्यों व्यथित होता है? व्याकुल मत हो, अपनी मूर्ता को देख और निडर होकर प्रसन्न चित्त से मेरे पहले रूप को फिर से देख। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र जी, श्री कृष्ण जी ने यह कहकर अपना चतुर्भुज रूप फिर दिखाया और डरे हुए अर्जुन को ढाढ़स दिया। तब अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन जी, आपका यह शांत मनुष्य रूप देखकर अब मैं सावधान हो गया हूँ और अब मेरा चित्त शांत हो गया है, सब वे में निवृत्त हो गया है। श्री कृष्ण जी बोलेंगे, कौंती के तू मेरा यह रूप देखता है, इसको देखने को देवता भी तरसते हैं। हे परमात्मा, मेरा जो ऐसा महान रूप है इसको मनुष्य अनन्य भक्ति से जान सकते हैं, देख सकते हैं और तत्व ज्ञान से इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन जी, जो कोई मनुष्य मेरी ही प्रीति के लिए लौकिक और वैदिक कर्म करते हैं, मेरे से ही प्यार करते हैं, मुझको अपना पुरुषार्थ मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, सब संसार के विषयों से मुख मोड़ चुके हैं और संपूर्ण प्राणी मात्र से बैर छोड़ उनसे प्रीति करते हैं, वे ही मुझको सदा के लिए प्राप्त होते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जयकारा। सुनो, एक तुंगभद्र नाम का नगर था जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वहां एक ब्राह्मण बड़ा धनवान विद्वान पंडित रहता था और नित्य श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया करता था और राजा भी यहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा किया करता था और पाठ भी नित्य सुनता था। एक दिन कुछ संत तीर्थ यात्रा करते करते उसे नगर में पहुंचे। राजा ने समान सहित संतों को टिकाया और भोजन कराया। भोजन करके संत बहुत प्रसन्न हुए। प्रातःकाल राजा अपने पुत्र और मित्रों सहित उनके दर्शन को गया और संतों के महंत जी से धर्म की बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र वहां खेलने लगा। वहां प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार डाला। चाकरों ने राजा को इस बात की खबर दी कि राजा बोला, हे संत जी, आपके दर्शन का मुझे अच्छा फल मिला, मेरा एक पुत्र था सो भी प्रेत ने मार डाला। राजा महंत सभी प्रेत के पास गए और ब्राह्मण ने प्रेत से कहा, अरे प्रेत, तू दृष्टि कर जो हे और तू अपने पूर्व जन्म की बात कह। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहाँ एक कायल ब्राह्मण जिसके अंगों में खून निकल रहा था खेत में आकर गिर पड़ा। एक चील उसका मांस नोचकर खाने लगी। मैं बैठा देखता रहा। इतने में एक ब्राह्मण और आया और उसने यह हाल देखकर मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले ब्राह्मण, तेरे कर्म चंडाल जैसे हैं। अरे निर्दयी, तेरे खेत में ब्राह्मण का मांस चील नोच नोच खा रही है और तू आंखों से अंधा है, जो कुछ छुड़ाता नहीं है, सो तू मेरे श्राप से प्रेत योनि पाएगा। तब मैंने उसके चरण पकड़ कर कहा कि हे देव जी, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब उस ब्राह्मण ने कहा, तुझको जब कोई गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब तेरा उद्धार होगा। ब्राह्मण ने गीता के 18वें अध्याय का पाठ प्रेत को सुनाया और उस पर जल तब तत्काल प्रेत की देह छूट कर उसने देव देव भाई और राजा का मरा हुआ पुत्र भी भगवान के नाम लेता हुआ खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आया और प्रेत उसने बैठकर स्वर्ग को चला गया। राजा का पुत्र भी गीता पाठ सुनने से भक्त परायण होकर उसी विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। राजा ने भी 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। इस प्रकार वह भी परम गति को प्राप्त हुआ। बोलिए श्री मुरली मनोहर की गीता जी महाराज की। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। सुनेंगे सभी भक्त। जो भक्त
भक्त सदैव योग युक्त हो आपकी उपासना दिव्य पूर्ण करते हैं। और वे पुरुष जो पर ब्रह्मा को बसते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? श्री भगवान जी बोले, जो मुझ में मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक बसते हैं वे उत्तम योगी हैं, और जो इंद्रियों को स्वयं कर सर्वत्र सर्व दृष्टि रखकर प्राणियों के हित में लगे हुए अकथनीय वचन बोलते हैं और अभयक्त सर्वव्यापी अचिंतनीय निर्विकार चल ध्रुव अक्षर का वचन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित लगा हुआ है वे कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे भारत, जो प्राणी अपने सब कार्यों को मेरे अर्पण करके करता है, मेरी शरण में आता है, मैं उन शरण में आए हुए भक्तों का थोड़े ही काल में संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन और बुद्धि रखो, तब तुम मुझ में निवास करोगे। इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को लगाए रखोगे और अभ्यास योग द्वारा मुझे पाने के लिए बार बार यत्न करोगे, तो मैं तुम्हें जरूर ही प्राप्त होगा। यदि अभ्यास भी ना कर सको तो मेरे उद्देश्य से व्रत करो, मेरे लिए तुम कर्म करोगे और मेरे लिए तुम गुणगान करो, तभी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। यदि ऐसा भी ना कर सको तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़ करके कर्म करो। जब भी आओ कुछ मांगने की इच्छा लेके ना आओ, हमेशा मेरे दर्शन दीदार को ही आओ, क्योंकि अभ्यास ज्ञान, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से कर्मों का फल त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से तुरंत शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयावान है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, जो क्षमावान संतोषी है, स्थिर चित्त है, इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ विश्वासी है, मुझ में अपना मन और बुद्धि लगाए हुए हैं, जिनसे ना लोगों को भय है ना लोगों से जो डरता है, हर्ष ईर्ष्या दुष्टों से भय और विषाद से जो रहित है, जो कुछ मिले उसी से संतुष्ट हो जाता है, पवित्र वो मेरा भक्त होता है, मुझे बड़ा प्रिय होता है। जो ना लाभ से प्रसन्न होता है, ना किसी के द्वेष से करता है, भली बुरी वस्तु पाने का हर्ष शोक ना करता है, शुभ और अशुभ इन दोनों को का त्यागी हो, जिसे शत्रु मित्र मान अपमान सर्दी गर्मी दुख एक समान होते हैं, जो वासना से रहित होता है, जो निंदा तथा स्तुति को समान जानता है, मौन रहता है, जो यह नहीं समझता कि यह मेरा घर है, वह मेरा प्यारा है या ये मेरी संतान है, जो ये समझता है कि ये प्रभु का ही है, जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मान कर इस अमृत के समान कल्याणकारी धर्म का आचरण मेरे उपदेश के अनुसार करते हैं, ऐसे भक्त मुझ में विलीन हो जाते हैं और मेरे अत्यधिक प्रिय होते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। अब आप भक्त सुनेंगे 12वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, अब 12वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का राजा रहता था। उसकी नगर में बिमत नाम का एक लम्मट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वे दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मद्यपान और मांस खाया करते थे। जो कोई पूछे कि तुम यहाँ क्या करते हो, तो कहते कि हम यहाँ देवी की सेवा करते हैं। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण भी देवी की सेवा करता था। एक दिन उसने देवी की स्तुति की। देवी प्रसन्न हुई और कहा कि वर मांगो, जो मांगोगे सो ही दूंगी। उसने धन बस संतान सुख मांगा। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने जो कुछ मांगा है सो सब तुम्हें दूंगी, पर पहले इन दोनों का उद्धार कर ले।
तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया। भगवान जी प्रसन्न हुए और गरुड़ पर चढ़कर आए और पूछा कि मेरी क्या कामना है और तेरी भी क्या कामना है। ये आपस में दोनों की बात हो रही थी। ब्राह्मण जी ने कहा, इस लम्बट और गणिका का उद्धार कैसे हो। श्री नारायण जी ने कहा, हे अज्ञानकारी ब्राह्मण, गीता के बारे में अध्याय का पाठ सुनाओ तो इन दोनों का उद्धार होगा। तब ब्राह्मण ने कनिका और लम्बट को बैठाकर गीता के बारे में अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों को देह छूट गई और दोनों ही वैकुंठ को चले गए। देवी प्रसन्न हुई और कहा, हे ब्राह्मण, आज से मेरा नाम वैष्णवी हुआ। इस पाठ को सुनते ही ऐसे कुकर्मी कर गए हैं। इससे प्रसन्न होकर इस नगरी का राज्य मैंने तुझको दे दिया है। वह बीपर गर्व हो गया, उस राजा के संतान नहीं थी। राजा उस बीपर को बुलाकर राज्य देकर तप करने को गया। वह बीपर राज्य करने लगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, यह सब बारहवें अध्याय का महात्म्य है, जिससे कि सभी भक्तों का जल्दी ही उद्धार हो जाता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रमन बिहारी लाल की। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न करता है कि हे प्रभु, प्रकृति किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं, किसको क्षेत्र और किस को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, ज्ञान और क्षेत्र किसे कहते हैं, इनको हमें सुनाइए। श्री कृष्ण जी बोले, कौंतेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, इसको जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझको जान, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन विचार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है और क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातें हमें संक्षेप में कहिए। सुनो, अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के शब्दों में इसको बताया है। वेदों ने पृथक पृथक वर्णन किया है और हेतु वाले ब्रह्म सूत्र पदों को करके भी ज्ञान निश्चय किया गया है। पांच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अहंकार बुद्धि अव्यक्त कृति दसों इंद्रियां मन तथा पांचों इंद्रियों के विषय तथा इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतन भृति इनके समूह क्षेत्र में और अक्षेत्र के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित हमेशा सहनशीलता कर सगुरु की सेवा पवित्रता अपने मन का संशय इंद्रियों के विषय से विरक्त अहंकार रहित और जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग दुखादि दोषों का देखना उत्तर स्त्री ग्रह इत्यादि में आसक्ति ना करना और इनमें अपने को सुखी दुखी ना मानना और इष्ट अनिष्ट प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना अनन्य भाव से मेरी अनंत भक्ति एकांत में करना और एकांत में रहना जन समूह में रहने से विराग सदा स्मरण रखना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना इसे ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना इसे ही ज्ञान का अंश भी कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब यज्ञ का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिसको जानकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। वे आदि रहित बड़े से बड़ा अकथनीय होने से ना सत्य ही कहा जाता है ना सत्य ही कहा जाता है। सब और उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र सिर और मुख हैं। अब और भी सुनो, सब और कान हैं। वही जगत में सब को घेरे हुए स्थित है। वे सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, इंद्रियों से रहित है, जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सब का आधार है। आप निर्गुण हैं,
सब पर सब गुणों को भोगता है, जो भूतों के बाहर भीतर है, जो चराचर है, जो अजर अमर है, जो अति सूक्ष्म है, जो दूर भी और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते हैं, पर जो भिन्न भिन्न भूतों में विभक्त समान रहता है, समस्त भूतों का पालन नाश और उत्पन्न करने वाला है, वे ही क्षेत्र है, वे अंधकार से परे ज्योतिष्मान पदार्थों को ज्योति देता है, वे ही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में वास करता है। इसी प्रकार क्षेत्र ज्ञान और क्षेत्र इनको संक्षेप में कहा है। इन्हें जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति से हुई और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विचार और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है और पुरुष गुणों का उपभोग करता है और प्रकृति भी करती है। तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोगता महेश्वरी परमात्मा और परम पुरुष रहते हैं। इस प्रकार गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष जो को जो जानता है उसका रहन सहन चाहे जैसा भी हो फिर भी वो नहीं जन्मता। कोई ध्यान से कोई सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने में आत्मा को देखते हैं, परंतु कोई इस प्रकार ना जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन जी, स्थावर या जंगम सब उत्पन्न प्राणी देह और जीव के सहयोग से प्रकट हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से है। भूतों के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता है। इस भांति जो देखता है वही दृष्टा और आँखों वाला है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता है। दुखी किसी को नहीं देख सकता, सो मेरी परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृति माया की है। जो कोई आत्मा को देखे तो अकर्ता देखे। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उसका विस्तार देखता है, तब ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन जी, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर कुछ कर्म नहीं करता, निर्लेप सब देह में वास करता है। जैसे आकाश सर्वव्यापी होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वव्यापी आत्मा भी इससे लिप्त नहीं होती। हे भारत जी, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परमानंद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब आप भक्त सुनेंगे 13वें अध्याय का महात्म्य। हे लक्ष्मी जी, अब 13वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में हरि नाम नगर था। वहाँ एक गणिका रहती थी। वह मांस मदिरा खाती और व्यभिचार करती थी। एक दिन एक पुरुष को उसने वचन दिया कि अमोघ स्थान पर तेरे पास आऊंगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह गणिका ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई। सारा दिन व्यतीत तो हो गया पर पुरुष का पता नहीं चला। साय हो गई, तब वह गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष आ गया, दोनों बड़े प्रेम से मिले। इतने में एक शेर आया। गणिका डरी, सिंह बोला अरे गणिका मैं तुझे खाऊंगा। गणिका बोली तू अपने पहले जन्म की बात कह, तू कौन है? तब सिंह बोला मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तथा दूसरों का धन हर लेता था। एक दिन प्रातः काल घर से उठ चला, रास्ते में ही देश उठ गई। यमुन ने पकड़ लिया, धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसी घड़ी इस ब्राह्मण को सिंह का जन्म
दो। मैं सिंह हुआ और धर्मराज ने आगे दी कि जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हो तिनको खाया कर, जो साधु वैष्णव हरि भक्त हो उनके पास कभी भी मत जाना। तू व्यभिचारिणी गणिका पापी है, इसी से तुझको खाऊंगा। इतना कह सिंह ने गणिका को खा लिया। दूत धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने आज्ञा दी कि इसको चंडालिनी का जन्म दो। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, उसने गणिका की देह त्याग चंडालिनी की देह पाई। उस काल बाद वह एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली जाती थी। वहीं पर एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उसने पाठ सुना, जब अध्याय का पाठ सुनकर उसने प्रसाद पाया, तब चंडालिनी के प्राण छूट गए। चंडालिनी ने देव देव भाई पास से विमान आया, सिर पर बैठकर वैकुंठ को चली गई। साधु ने पूछा, अरे तूने कौन सा पुण्य किया जिसके करने से वैकुंठ को चली गई है? चंडालिनी ने कहा, हे संत महात्मा जी, हे महापुरुष जी, इस तेरे पाठ को सुनकर मैं देव देव को चली। तब गणिका ने पार्षदों से कहा, कोई ऐसा संत मिले जो सबको गीता का ज्ञान सुनाए, अच्छा ध्यान लगाए। कोई ऐसा यत्न करो जिस सिंह ने मुझे पूर्व जन्म में खाया था, उसे भी ले चलो। उस साधु से प्रार्थना की, हे संत जी, गीता के 13वें अध्याय के पाठ का फल उस सिंह के निमित्त दीजिए, तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। उस संत जी ने पाठ का फल लिया, सिंह की देह की छूट गई। उसने देव देही पाई और विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। बोलिए श्री राम की, बिहारी लाल की, गीता जी भगवान की, जयकारा पौना हारी जी का, जय श्री बाबा जी, बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में मेरे बांके। मेरे बांके भी
जी, जय श्री राधे। घुंगराले
जय श्री बाबा जी।